हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीणा और आज मैं आप लोगों के लिए 5 नंबर गोपाल जी का ड्रेस बताऊंगी। और ये इस तरह पैटर्न है, देखिए ये प्यारा डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर की चोली हमने पहले से बना के कंप्लीट कर ली है और ये देखिए लास्ट में हमारे यहाँ टोटल 25 डबल क्रोशिया है। और ये देखिए बाजू जब हमने बनाया तो 1 2 3 4 5 6 इधर है, फिर हमने इधर 9 स्किप करे, 10 में से बनाए तो टोटल बैक साइड हमने 13 डबल क्रोशिया बनाए और इधर फिर से हमने सामने फ्रंट में 6 डबल क्रोशिया बनाए। तो टोटल इधर हमारे 25 डबल क्रोशिया थे, तो 25 के ऊपर हमने नीचे ये देखिए 25 डबल क्रोशिया बनाए। 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3, 3 चैन ले लिया हमने। लूप लेंगे और सेम इसी जगह पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए 1 चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, लूप लेंगे, अगले वाले चैन में हम एक बार बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, फिर अगले वाले चैन में 2 बनाएंगे। तो इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, थर्ड वाले चैन में ज्वाइंट कर लेंगे, 1 2 3। तो ये देखिए स्टार्ट हमने 2 से किया था और लास्ट में 1 आया और ये बीच में 1 चैन हमने ये देखिए स्किप कर दी है। टोटल 24 हमने जो हमारे पास चैन थे उसी में हमने 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह राउंड कंप्लीट किए। और हम ये वाली चैन उठा के स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चैन बना लेंगे। इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा हो गया 2 और 1 और बना लेंगे, 3 हो गया। 1 चैन लेंगे, 1 चैन स्किप करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये हो गया 3, फिर 1 चैन। तो इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 चैन बना लिया हमने, 1 2 3 थर्ड वाले चैन में ज्वाइंट करेंगे। फिर ये देखिए 3 है, तो 3 की ये देखिए जो बीच वाली हमारी है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, पहले चैन उठा के और इस तरह। अब 1 2 3 और सेम इसी जगह हमें 3 बार और बनाना है, मतलब टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गए, 3, चार हो गए। अब 1 चैन लेंगे, देखिए इसके बीच वाले में 1 2 3 4 और 1 चैन लेंगे। तो ये देखिए थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड वाले चैन में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 इधर का 1 और ये देखिए ये जो थर्ड वाली चैन है इसमें हमें ज्वाइंट करना है और 3 डबल क्रोशिया लेंगे। दो हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हमारा 5। 1 चैन लेंगे, फिर ये देखिए। तो इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। 1 चैन ली, बना लिया, थर्ड चैन में जॉइंट करेंगे। तो धागा ज्वाइंट कर लिया, अब हमें क्या करना है, लूप लेंगे पहले अपने साइड, ये देखिए इस तरह, फिर एक इस तरह लूप लेना हमें और हमें ये देखिए ये वाले ये चैन को उठाना है इस तरह। ये देखिए थोड़ा सा लूज हाथ से उठाएंगे, ढीले हाथ से, ये देखिए, और ये हमें 2 निकालना है, कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए अब हम लूप लेंगे, चैन को पकड़ेंगे इस तरह और ये देखिए पहले ये 2 निकालेंगे हम,
लूप लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये एक चैन इधर से उठा लेंगे हम, एक हो गया हमारा, फिर ये हमारा दो हो गया, फिर जो बीच की चैन है इसे भी उठा लेंगे हम, तो ये तीन चार और ये एक हमारा पांच। तो ये देखिए पहले इधर से दो हमने, एक दो इधर से उठा लिया, सिंगल क्रोशिया बना लिए, एक चैन है जो हमारी बीच में है उसका एक और दो इधर से लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह लूप लेंगे और सेम इसी जगह पे ये देखिए इस तरह पकड़ेंगे, दो चैन निकालेंगे और दो अभी कंप्लीट नहीं करेंगे इसे हम, फिर लूप लेंगे, फिर इधर वाले से हमें ये दो निकाल लिया हमने, अब ये तीनों को हमें एक साथ निकालना है। ये देखिए फिर से इसे थोड़ा सा हम इस तरह करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया इधर से उठा लेंगे, एक दो और एक चैन हमारे ये, तीन चार और ये हमारे पांच। ये देखिए इस तरह फिर लूप लेंगे, दो निकालेंगे, राउंड कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर इधर से लेंगे, तो इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। आ गए हम, लूप लेंगे एक इधर से, तीनों को एक साथ निकालेंगे और फिर एक ये चैन उठा लेंगे हम, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक दो और ये देखिए ये धागे पे एक बना लेंगे, तीन हो गया और ये देखिए इसमें जाएंगे बीच में स्लिप स्टिच करना हमें, ये देखिए और एक चैन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब ये देखिए ये बी पैटर्न जो हमारा बना है इसके बीच में हमें धागे को ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करेंगे धागे को, तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पांच छः और ये हमारा लास्ट में सात। तो ये देखिए इस तरह के सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, फिर ये देखिए इसके बीच वाली जो चैन हमारी ये भी पैटर्न इस तरह बना, इसके ऊपर वाली चैन उठा लेंगे, ये देखिए सातवां डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पांच छः और ये हमारा हो गया सात। तो इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे, तो ये देखिए सात डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब इधर तीन चैन से हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले चैन में हमें ज्वाइंट करना है और एक चैन लेके धागे को कट कर देंगे। ये देखिए चैन उठाएंगे, लूप लेंगे और अब हमें क्या करना है, देखिए
इसके अंदर से ये जो हमारी बी पैटर्न है धागा उठाएंगे, दो निकालेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सातवां हमारा चैन है, तो इसे उठाएंगे हम इस तरह और हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो तीन चार पाँच छः और ये हमारा हो गया सात। तो ये देखिए सात हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। लूप लेंगे, अब इसी के अंदर से हमें निकालना है। दो निकालेंगे और ये कंप्लीट नहीं करेंगे, लूप लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः हो गया सात हमारा। इसे लूप लेंगे, इसी के अंदर से निकालेंगे, दो निकालेंगे, लूप लेंगे, दो निकाले, तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। दो धागे निकालेंगे, देखिए इस तरह कंप्लीट नहीं करना हमें, फिर लूप लेंगे, फिर इधर से निकालेंगे, देखिए इसके अंदर से ये देखिए अपने साइड खींच लेंगे, दो निकालो और तीनों को एक साथ कर देंगे। सिंगल क्रोशिया सात बार बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और एक, एक ही हमारे पहले से बना हुआ है, इसे लूप लेंगे, ये निकालेंगे दो और ये लास्ट वाली चैन उठा लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, एक चैन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए धागा कट किया है, सेम जगह उठा लेंगे, एक चैन लेंगे, सेम इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह लूप लेंगे और ये देखिए सात इधर हमारे डबल क्रोशिया थे, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन छोड़ देंगे और ये बीच वाला चैन उठा लेंगे इस तरह, इसके ऊपर हमें सात बार डबल क्रोशिया फिर बनाना है। दो तीन चार पाँच छः और एक ही हमारा हो गया सात, सात डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए बीच में एक चैन है, ये देखिए इसे हम उठा लेंगे सिंगल क्रोशिया के लिए, फिर लूप लेंगे, फिर बीच में बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन स्किप करेंगे, बीच में बनाएंगे सात डबल क्रोशिया। तो इसी तरह राउंड ही कंप्लीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट वाले, ये देखिए इसमें
स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, बनके कंप्लीट हो गया 5 नंबर गोपाल जी का ड्रेस। और बनने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारे गोपाल जी का ये ड्रेस कैसा लगा।